हेलो दोस्तों, मैं वितेश फार्मागेंट टेक सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, ये देखिए रेडमी का फोल्डर है 5A का। तो इसके फोल्डर को हम इसके फ्रेम में कैसे फिट करेंगे, ये मैं तरीका अभी आपको बताऊंगा अपने चैनल वितेश फार्मागेंट टेक सॉल्यूशन पे। क्या आप इस जो फोल्डर है, इस तरह का फोल्डर आएगा आपको मिलेगा मार्केट में, ये 5A 1400 से 1500 रुपए तक आएगा। तो इसको हम इसके फ्रेम में लगाना है हमको, तो कैसे लगाएंगे, तो मेरे चैनल वितेश फार्मागेंट टेक सॉल्यूशन को देखिए, उसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मैं इसी तरह का पर्सनल एक्सपीरियंस आपको अपने चैनल पर शेयर करता रहूंगा। चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, ये Redmi का 5A मॉडल है और इसका जो ये टच और डिस्प्ले है, इसके फ्रेम में हमको इसको फिट करना है। तो हम इसे कैसे फिट करेंगे, आइए देखते हैं। ये देखिए T8000 पेस्ट है। इस पेस्ट को हम पहले चारों तरफ अच्छे से लगा लेंगे। चारों तरफ हमको फ्रेम में ये पेस्ट पूरा लगा लेना है। पूरा फ्रेम में पेस्ट लगाने के बाद इस फोल्डर को हमको इसमें लगाना होगा। तो देखिए हम कैसे फ्रेम में ये पेस्ट लगा रहे हैं। इस तरह से देखिए, ये पेस्ट पूरा हल्के हल्के साइड से लेके पूरा चारों कोने पे हमें लगाना है। तो देखते रहिए मेरे चैनल वितेश फार्मागेंट टेक सॉल्यूशन को, उसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मैं इसी तरह का अपना एक्सपीरियंस इस चैनल पे शेयर करता रहूंगा। ये देखिए सारा पेस्ट मैंने चारों तरफ लगा दिया इस तरह से। जब ये पेस्ट लग जाएगा, क्योंकि ये पेस्ट बहुत अच्छा पेस्ट है TE8000, इससे क्या होता है कि फ्रेम आपका बाहर नहीं आएगा और अच्छे से चिपका रहेगा। अगर आप टेपिंग करते हैं तो टेपिंग में आपका जो फोल्डर है बाहर आने का खतरा रहता है, क्योंकि वो डस्ट से टेप खराब हो जाता है। तो ये देखिए आपका जो है फ्लेक्सिबल पेस्ट होता है ये, इसलिए आपका निकालने में और लगाने में बहुत आसान है। तो देखिए इस तरह से हम फोल्डर को इसके फ्रेम में लगाएंगे। ये जो डिस्प्ले का पत्ता है, इसको हम इसके खाने से डाल के, और ऊपर जो टच का पत्ता है, ये देखिए हम इस तरह से इसको पुट कर देंगे। पुट करने के बाद हल्के हल्के हाथों से हम लगाएंगे और इसके साइड को पूरा प्रेस करेंगे। ये देखिए मैंने इसको लगा दिया इस तरह से। इस तरह से लगाने के बाद हम इसको हल्के हल्के हाथों से चारों कोनों पे प्रेस करेंगे। ज्यादा प्रेस नहीं करेंगे, नहीं तो डैमेज होने का खतरा रहता है टच और डिस्प्ले। तो हम हल्के हल्के हाथों से देखिए इस तरह से लगा देंगे। ये देखिए आपका जो फोल्डर है पूरा फिट हो गया है इस तरह से, और हल्के हल्के हाथों से दबा देंगे। ये आपका लगने के बाद इस तरह से देखिए फ्रेम में फिट हो गया है। अभी आपका डिस्प्ले जो है फ्रेम सहित तैयार है डिस्प्ले सर्किट में लगाने के लिए। तो धन्यवाद दोस्तों मेरे चैनल वितेश फार्मा को देखने के लिए। थैंक यू।